Rough road mode activated. टाटा हैरियर के रिव्यूज और कंपैरिजंस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम दिखाएंगे कि टाटा हैरियर में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कैसे यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक देखने के लिए डिटेल्स में। तो हैरियर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मिलती है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की फैसिलिटी। डैशबोर्ड के नीचे एक यूएसबी कनेक्टर लगाने की जगह मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी तरह से कंसील्ड है। आप यहाँ पे एक केबल लगा भी सकते हैं और एक केबल लगी हुई छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने एक केबल कनेक्ट कर दी है। जब तक आपका फोन कनेक्टेड नहीं होता तो आपका ये एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो वाला आइकन ग्रेड आउट रहता है, और अगर आप इसको दबाएंगे तो ये इस तरह से वार्निंग देगा। फोन कनेक्ट होने के बाद ये आइकन अपने आप हाईलाइट हो जाता है, और अगर आप इसे दोबारा प्रेस करें तो एप्पल कारप्ले की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। एप्पल कारप्ले यूज करने से पहले आपको अपने एप्पल स्मार्टफोन पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको सेटिंग्स में जाके कारप्ले सर्च करना है। कारप्ले में जाते ही कनेक्ट नेक्स्ट के नाम से एक माई कार के नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि आपको जो एप्स कारप्ले में अलाउड हैं वो एप्स नज़र आएंगे। यहाँ पे YouTube म्यूज़िक और फ़ोन म्यूज़िक, मैप्स, मैसेजेस, अगर इस फ़ोन में गूगल मैप्स होगा तो वो भी अलाउड एप्स में दिखाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी कार अलाउड है, और इसको अलाउ कार प्ले वाइल लॉक्ड का ऑप्शन भी है, ताकि आपका फ़ोन लॉक हो तब भी आप कार प्ले यूज़ कर पाएँ। अब आपको यही सब ऐप्स यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम पे नज़र आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे इस फ़ोन में गूगल मैप्स इंस्टॉल्ड हैं, यूट्यूब म्यूज़िक इंस्टॉल्ड है, व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, और अमेज़ॉन म्यूज़िक इंस्टॉल्ड है। अब एप्पल कार प्ले के साथ आपकी हर ऐप नहीं चलेगी, जो ऐप अलाउड है एप्पल कार प्ले पे वही चलेगी। कुछ ऐप्स जो हैं वो यही हैं, Amazon Music, YouTube Music और Google Maps, WhatsApp। एक और फीचर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है नेविगेशन। Apple CarPlay में आपको Google Maps का एक कस्टमाइज्ड वर्जन मिलता है। आप Google Maps में जाएंगे और आप डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं, अगर आपका होम एड्रेस सेव्ड है, या रीसेंट सर्चेज में आपने क्या सेव किया है, या आपकी सेव्ड प्लेसेस, और या आपको कुछ सर्च करना है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुतुब मीनार सर्च करते हैं। और इसमें ऑप्शन है, आप अपना वॉइस नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, वॉइस नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, ये भी मैंने ऑफ किया है। जैसे अभी आपने एप्पल कारप्ले के बारे में देखा, अब हम देखते हैं एंड्रॉइड ऑटो। तो जैसे हमने अपना एप्पल फ़ोन कनेक्ट किया था, वैसे ही हम अपना एंड्रॉइड फ़ोन कनेक्ट करेंगे। और फ़ोन कनेक्ट होते ही आपको ये एक नोटिफिकेशन देगा फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। एंड्रॉइड ऑटो विल बी एंगेज्ड वंस योर कार इज़ पार्क्ड। तो ये हैंड ब्रेक उठाने के लिए बोलता है, हमने हैंड ब्रेक उठा दिया है। नेक्स्ट स्क्रीन अपने आप आ गई है, तो आप इसे यहाँ कंटिन्यू करके आगे चले जाइए। एक ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड्रॉइड ऑटो। गूगल ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल मैप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये आपको एंड्रॉइड ऑटो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। और जैसे ही मेरा ऐप दोबारा डाउनलोड हो जाता है, तो ये ऐप डाउनलोड हो गया है, और ये आपको यहाँ पर एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और आप एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्रीवियसली नोटिस,
से भी आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे कुछ परमिशंस के लिए बोल रहा है, आपको फ़ोन कॉल के लिए अलाउ कीजिए, फ़ोन के लॉग के लिए अलाउ कीजिए, लोकेशन के लिए अलाउ कीजिए, एसएमएस रीड करने के लिए और सेंड करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए और कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने के लिए, साथ ही में आपके कैलेंडर के लिए। और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की होम स्क्रीन पे एंड्रॉयड ऑटो हाईलाइट हो गया है। अब इसे प्रेस करेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऑटो स्क्रीन यहाँ मिल जाएगी, बाकी का आप सेटअप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स गो। तो ये है आपकी एंड्रॉयड ऑटो की सिंप्लीफाइड होम स्क्रीन। अपना म्यूजिक यहाँ से सुन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐप्स हैं, Amazon म्यूज़िक। अब Android ऑटो में सावन चलता है, Apple CarPlay में सावन नहीं चलता है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। Apple CarPlay में आप यूज़ कर सकते हैं YouTube म्यूज़िक और Amazon म्यूज़िक जैसी ऐप्स। आप Android ऑटो की होम स्क्रीन से सीधा नेविगेशन में जा सकते हो और ये नेविगेशन बटन प्रेस करते ही आपको खुल जाएगा एक कस्टमाइज्ड नेविगेशन मेन्यू। यहाँ से आप सेटिंग्स चूज़ कर सकते हो, ट्रैफिक अपडेट चाहिए तो उसको ऑन कर सकते हैं, व्यू कैसा चाहिए, सैटेलाइट या मैप्स, इसको मैप रखते हैं और राउट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका होम या वर्क एड्रेस इसमें सेव्ड है तो आपको ये बता देगा यहीं से सिलेक्ट करने के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ सिलेक्ट करके इसमें कोई भी एड्रेस चूज़ कर सकते हो। तो ये था हैरियर में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का एक छोटा सा डेमो। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जल्दी ही हम लेके आने वाले हैं हैरियर का एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू।